आज हम बात करेंगे सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मेरे साथ पैन कार्ड पड़ा है मेरे पे और साथ में मेरे पास आधार कार्ड भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो मेरा पैन कार्ड है और साथ में मैंने आपको वो आधार कार्ड भी दिखा दिया। और अब पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से हमारे को यहाँ पे लोन कैसे मिलेगा। हमारे पास सिर्फ पैन कार्ड है और साथ में आधार कार्ड है और हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और हम किसी भी एप्लीकेशन में लोन को अप्लाई करेंगे तो हमारा वहाँ से लोन अप्रूवल हो जाएगा। वो कैसे लोन अप्रूवल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास पैन कार्ड और सिर्फ आधार कार्ड है और अगर आपको पैसों की जरूरत है और आपने लोन को अप्लाई कर करके थक गया, आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप जाके मेरी वीडियो सेक्शन पे देख रखें, सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर कम से कम भी 30 लोन चल रहे हैं सिर्फ एक आधार कार्ड, सिर्फ एक पैन कार्ड के ऊपर। ये मेरा पैन कार्ड आपको दिख रहा है, इस पैन कार्ड के ऊपर कम से कम 25 से 30 लोन चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और कैसे पे लेटर को जैसे अप्लाई करते हैं तुरंत वहाँ से अप्रूवल देखने को मिलता है। और आप बार बार लोन को अप्लाई करते हो, पैन कार्ड आधार कार्ड सबमिट करते हो, उसके बाद भी वहाँ पे आपको लोन डिक्लाइन देखने को मिलता है। किस वजह से जो आपका लोन है वहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूँ, जब भी हमें पैन कार्ड आधार कार्ड को सबमिट करना है सबसे पहले हमने अपना सिबिल चेक करना है कि जो हमारा सिबिल कितना है। अगर हमने अपना सिबिल को अच्छा इम्प्रूव करना है या हमने सिबिल को अपना ग्रो करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन पे लोन को अप्लाई करना है तो 1 से 1.5 साल आपको बिल्कुल भी किसी की भी ईएमआई को पेंडिंग नहीं करना है, टाइम टू टाइम पे करना है। जैसे आप टाइम टू टाइम पे करेंगे, अगर जैसे आपका सिबिल 700 हो गया तो 700 प्लस होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद जब भी आप पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से कहीं पे भी लोन को अप्लाई करोगे तो 100% वहां का आपको लोन अप्रूवल देखने को मिलेगा। बस यही एक छोटा सा मकसद है, अगर पैन कार्ड आधार कार्ड पे अगर आपको लोन लेना है तो। अगर आपको लोन पैन कार्ड आधार कार्ड पे आपको लोन को अप्लाई करते हो डिक्लाइन हो जाता है तो इसी वजह से डिक्लाइन होता है कि हमारा जो सिबिल बेस होता है वो कम होता है। हम लोन कहीं कहीं से अप्लाई करते हैं तो उसको रिपे नहीं कर पाते, उसके कारण वो जो सिबिल होता है सारा का सारा इंक्वायरी में शो करता है। जब वो इंक्वायरी में शो करता है तो जो कंपनियां जैसी लोन को आपकी प्रोफाइल उनके पास अप्रूवल के लिए जाती है तो तुरंत देख लेती है कि इतनी सारे इन्होंने लोन को अप्लाई कर रखा है कि इस बंदे को लोन की बहुत ज्यादा नीड है, तो उसकी वजह से जो वहां पे लोन है तुरंत डिक्लाइन कर देते हैं। और इसी की वजह से अगर आप क्रेडिट कार्ड को कभी भी अप्लाई करोगे फ्यूचर में तो आपका वहां पे क्रेडिट कार्ड जल्दी करके अप्रूवल नहीं होगा। बस यही एक छोटा सा मकसद है, अगर आपको सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड पे लोन चाहिए तो आपको काफी सारे लोन मिल सकते हैं, पर आपकी जो प्रोफाइल हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ही आपको वहां पे किसी भी अगर प्लेटफॉर्म पे आप पैन कार्ड आधार कार्ड लगाओगे तो आपको 100% वहां पे 10 से 20 हजार का लोन तो आपको 1 से 2 मिनट के अंदर ही वहां पे तुरंत ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बस यही एक छोटी सी वीडियो थी, जो वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो लोग पैन कार्ड आधार कार्ड पे लोन अप्लाई करते हैं नहीं मिल पाता, तो इसी वजह से जो आपको लोन नहीं मिल पाता क्योंकि जो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड होता है वो उसकी कोई गलती नहीं होती। पैन कार्ड आधार कार्ड सबका सेम होता है, जो हमें प्रोफाइल हिस्ट्री बनानी पड़ती है सिबिल के बेस पे वो हमारे को पूरी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है, इस वजह से जो हमारा लोन है वहाँ पे अप्रूवल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो। थैंक यू दोस्तों।